नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख 31 दिसंबर 2019, साल का लास्ट दिन है, और यहां पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। सबको सबसे पहले आपको आने वाले नंबर्स की हार्दिक शुभकामनाएं 2020 के लिए। देखिए, निफ्टी की ये डेली का चार्ट है दोस्तों, अगर एनालिसिस पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा। डेली का चार्ट है, और आपने देखा कि पिछली बार जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था, कहा था कि निफ्टी एक रेंज में ऊपर और ये लोअर रेंज है, इस रेंज में रहने की बहुत संभावना है, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे मंथ जो है 10-15 दिन 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो हमेशा हो सकता है, उसकी संभावना होती है। एक रेंज में ही रहने की ज़्यादा संभावना यहाँ पे लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम अभी देखिए दिसंबर नया साल है, तो मैक्सिमम लोग छुट्टी पे होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं मैक्सिमम सब छुट्टी पे रहते हैं, तो वोलेटिलिटी होती नहीं मार्केट में, जिसकी वजह से साइड बेज होता है। और इसके बाद लगे यहाँ जो एक महीने के बाद जो है फरवरी के आसपास में कहीं बजट का होगा, तो निफ्टी में कोई बड़ा अगर मूवमेंट होना है ना, तो उसी के लमसम में आसपास में हो सकता है। इस बीच में ये इसी रेंज में नीचे का जो रेंज बना रखा है 12,100 का एक जो रेंज है सपोर्ट बना के रखा, उसके बीच में और ऊपर जो एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है 12,990 यानी कि 13,000 के आसपास, 12,300 के आसपास का, 12,290 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है, यानी 12,300 का जो हाई है और नीचे 12,100 का जो सपोर्ट है, उसके बीच में ये उम्मीद करता हूँ ये ट्रेड करता रहेगा। कभी ये 20-25 पॉइंट नीचे जाके ब्रेक भी कर सकता है, फिर वापस आके ऊपर की क्लोजिंग इसकी हो सकती है। अब आज का जो कैंडल है, अब आज की कैंडल की बात करते हैं। देखिए, आज जिसने जो ओपन किया है वही इसका हाई प्राइस है, ठीक है, यानी ओपन इक्वल टू हाई है, यानी कि पूरे दिन भर मार्केट में वीकनेस बनी रही। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट में, तो मार्केट पूरे दिन भर एक वे में नहीं था, वन वे नहीं था, बल्कि एक समय ये साइडवेज था। उसके बाद अगर आप गेनर और लूजर की संख्या देखते या एडवांस और डिक्लाइन की संख्या देखते, अगर एनईसी के साइड पे जाके, तो 25-25 पे वो चल रहा था, यानी कहीं ना कहीं वो साइडवेज था। बाद में 2:30-3 बजे के आसपास में इसमें गिरावट स्टार्ट हुआ, तो जो बड़ा यहाँ तक आया। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इसने जो होल्ड किया है वो 12,100 के ऊपर ही होल्ड किया है अपने आप को, जो क्लोजिंग किया है 12,168 का, देखिए 12,168 का इसने क्लोजिंग किया, यानी 12,150 को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। लो लगाया कितना, 12,151 का, देखिए लो लगाया 12,151 के, यानी 12,150 के आसपास, 12,140 के आसपास जब भी आया, तो वहां से एक बाउंस बैक मिलता है इसको, जो ऊपर की तरफ फिर इसको ठेल के लेके जाता है, तो वहां पे एक बाउंस की अपॉर्चुनिटी बनती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर ये आपको 12,100 आसपास के ऊपर में मिलता है, तो आपको वहां पे से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यानी बाउंस बैक 30-40 पॉइंट के लिए आप वहां पे बनाया जा सकता है। ऊपर के लेवल पे, अगर ये ऊपर के लेवल पे 12,250 12,260 के आसपास में कहीं पे मिलता है, तो एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, जो फिर उसको नीचे लेके आता है 12,220 और 30 के आसपास में लेके आ जाता है। अब हमारे लिए लंबे समय में अगर निफ्टी में देखना है, तो निफ्टी में वही चीज होता है कि जब तक इस रेंज से बाहर ना निकले, अब हम लोग इस चीज को अगर छोड़ दें, है ना, ये पीछे ये सारी चीजें ये सब जितना है इसको छोड़ दें, कुछ चीजों को ही सिर्फ पास में अगर ध्यान से देखें, सिर्फ हम इतने दिन को ही देखते हैं यहाँ से, ठीक है। इतना दिन कितना दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिनों का ये कैंडल है। 9 दिन से देख रहे हैं निफ्टी कंटिन्यू एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और उस रेंज का हाइट कितना है, 12,300 और नीचे 12,100, यानी कि लगभग लगभग 200 पॉइंट का ये रेंज है। इस 200 पॉइंट के नीचे या ऊपर जब तक ब्रेक ना हो, हमारे लिए मेजर डाउनफॉल या अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करना बेकार है, ठीक है। यानी 12,300 को जब ये ब्रेक करेगा ऊपर ना, तो एक हम मान के चलेंगे कि 200 पॉइंट के अपसाइड के मूवमेंट आपको 12,500 देखने को मिलेगा। ये कितना दिन लगाएगा मुझे नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, हो सकता है कल कर दे, हो सकता है 10 दिन बाद कर दे, कोई उसमें मुझे आइडिया नहीं। लेकिन जब भी मूवमेंट स्टार्ट करेगा, 12,300 को ब्रेक करेगा, तभी ये 12,400 और 500 के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि ये रेंज बना लिया ना। अब इस रेंज के अंदर वो साइडवेज हो सकता है, और नीचे की तरफ अगर ये 12,100 को ब्रेक करेगा, तब ये जाके फिर नीचे की तरफ हमें कहीं ना कहीं 200 पॉइंट या 150 पॉइंट का डाउनसाइड का एक मूवमेंट दिखाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 12,000 और 11,950 की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन उसकी संभावना बहुत कम लग रही है चार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसको दो दो तरह का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। इस बात की संभावना समय बनी होती कि मार्केट है, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है मार्केट के लिए, सब इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, ये कुछ भी कर सकता है, मार्केट चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो इस रेंज के अंदर जब तक रहेगा, तो आपको इंट्राडे के लिए शॉर्ट मूवमेंट कैच करने होंगे, 12,150 के आसपास में मिलेगा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 12,200 के टारगेट के लिए। अगर 12,250 या 60 के आसपास में मिलता है, तो ऐसे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी इंट्राडे में, जो वापस से इसको 12,200 और 150 की तरफ लेके
आ सकता है निफ्टी को लंबे अगर समय के लिए, तो वही जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करे कोई रेंज, कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव सेंस नहीं बनेगा, जब तक इस रेंज के बाहर निकलेगा उसके बाद ही। इसी कंडीशन में हम लोग बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी हम लोग देख लेते हैं, अब चलिए बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं इसी कंडीशन में। देखिए बैंक निफ्टी के पास इसी ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, जैसा कि आपको दिख रहा है, और रेजिस्टेंस साफ सुथरा दिख रहा है, 32,500 का एक रेजिस्टेंस है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 32,500 का एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको ऊपर जाना है तो 32,500 का रेजिस्टेंस को इसको ब्रेक करना होगा। नीचे आने, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो ये लाइन आप देख रहे हैं बॉक्स, छोटी सी बॉक्स बनी हुई है, वो है 31,600 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन उसके पहले 31,800 का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो इसका अपर बैंड बनता है, ठीक है। 31,800 से यानी 31,600 से लेके 31,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। 31,800 से 600 से लेके 31,800 तक का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 32,500 का, उसको ब्रेक करेगा तो 33,000 का लेवल दिखाएगा आपको, अदरवाइज अभी ये यहाँ पे होल्ड करके रखेगा अपने आपको। हाँ, कल अगर ये, अब इंट्राडे की बात कर लेते कि कल इसके एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कल 1 जनवरी है, 1 जनवरी है, तो मार्केट मैक्सिमम साइडवेज ही रहने की संभावना है। लेकिन अगर कल ये स्टैंड लाइन का जो सपोर्ट है इसको 32,000 का, अगर ये 32,000 या 32,050, इस दो में से कोई भी 32,050 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है, तो ज़्यादा मूवमेंट का एस्पेक्ट मत करिएगा, 31,880-90 के आसपास में जाके प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। वहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, वहाँ से एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, क्योंकि जब भी स्टैंड लाइन के पास आता है ये हमेशा यहाँ से बाउंस बैक ऊपर करके निकलता है। तो अगर ये 32,050 के नीचे की साइड में काटे तो एक शॉर्ट का पोजिशन बनेगा, जो 31,000 ज़्यादा ज़्यादा 900 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, ठीक है। ऊपर जाने के लिए अगर हमें बाय का पोजीशन बनाएंगे, बाय का पोजीशन लेना होगा, तो हमें बाय का पोजीशन इस आज के कैंडल के हाई के ऊपर लेना होगा, याद रखिएगा 32,345, यानी राउंड फिगर में 50 पकड़ सकते हैं। 32,345 को अगर ऊपर की साइड में ये काटेगा तो वापस से उसी रेजिस्टेंस को फेस करेगा, 32,500 के लेवल को और 520 का लेवल को। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा, अब ये सारी चीज़ें हटा दें हम लोग, अगर इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंडीशन देखें तो सेम निफ्टी के जैसा ही, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी के स्टॉक्स और इसके स्टॉक्स में वही स्टॉक्स है जो निफ्टी में है ना, तो दोनों का लगभग लगभग कहीं पे आके बिहेव जो होता है सेम हो जाता है। इसने भी एक रेंज बना लिया है, देखिए नीचे की तरफ में एक रेंज बना लिया। अगर हम ये इस कैंडल को भी ले लें तो नीचे की तरफ में 31,800 का सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है 32,500 का, तो कितने का आ गया, लगभग लगभग 700 का हुआ ना, हाँ लगभग 700 का पॉइंट, तो 700 का एक रेंज में फंसा हुआ है। इस 700 के रेंज को जब तक ये ब्रेक ना करे, चाहे अप या डाउन, तब तक कोई मेजर डाउनफॉल या अपवर्ड मूवमेंट की संभावना नहीं बन सकती। तो इस 700 पॉइंट का हम लोग वेट करेंगे कब ये रेंज को तोड़ता है। अगर ऊपर 32,500 को तोड़ेगा तो ऊपर के 1,700 पॉइंट मान के चलेंगे, तब फिर हमारा जो लेवल आ जाएगा लंबे समय के लिए, 32,500 में 700 लेवल जोड़ देंगे तो 33,200 के आसपास में कहीं ना कहीं आपको वो लेवल दिखाई देगा। और अगर इसी कंडीशन में ये नीचे तोड़ देता है, मान लेते हैं इस रेंज को वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, 31,600 को ब्रेक कर देगा या 800 को ब्रेक करेगा, 31,800 को अगर ब्रेक करेगा तो 31,600 के पास आके रुकेगा 200 पॉइंट, और अगर वो 31,600 को भी ब्रेक करता है तब जाके वो 31,100 तक का लेवल दिखा सकता है। लेकिन जिसकी संभावना भी फिलहाल चार्ट पे कम नजर आ रही, हालांकि ये साइडवेज मूवमेंट की संभावना ज्यादा लग रहा है चार्ट पे मुझे देखने से। तो इंट्राडे के लिए आपको मैंने बता दिया कि अगर इंट्राडे में अपने लो को अगर ये ब्रेक करता है 32,100 नीचे, यानी कि 32,050 को अगर ब्रेक करता है, तो ज्यादा ज्यादा ये आपको नीचे जो लेवल दिखाएगा वो 31,950 तक के आसपास का लेवल दिखा सकता है। उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करें, क्योंकि साइडवेज का संभावना है, इस वजह से इस बात को लेके चल रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, न्यूज़ बेस्ड मार्केट है तो कुछ भी हो सकता है। और अपसाइड के लिए आज के हाई को ब्रेक करेगा, अगर 32,350 के ऊपर निकलता है तो फिर एक टारगेट 32,500 तक का एस्पेक्ट हम लोग कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक और निफ्टी पर मेरा अपना व्यू, निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी बैंक पर। ये सारे इंडेक्स के लेवल हैं, फ्यूचर का चार्ट ये नहीं है, इंडेक्स का चार्ट है। तो इस पर आप अपना डिसीजन खुद लें। मेरी रिसर्च एजेंसी सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए, तो ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। और लास्ट में आप लोगों को नववर्ष 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।